हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम किचन टू लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दी के सीजन की सबसे बेहतरीन और आसान रेसिपी, मेथी के पराठे। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ताजी मेथी, जिसकी मोटी डंडी तोड़कर मैंने पहले ही अलग कर ली है, और इसे हमने 3-4 बार पानी से अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम लेंगे 1 अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 लहसुन की कली और 3 से 4 हरी मिर्च, जिन्हें हम एक साथ ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। अब हम यहाँ पर कटी हुई मेथी लेंगे, जिसमें डालेंगे 2 कप आटा। साथ ही ऐड करेंगे 1 कप बेसन, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, स्पेशली जब वो मेथी के साथ मिलता है। इसके बाद ऐड करेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच नमक, ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, जो पराठों का स्वाद और बढ़ा देगा। अब ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। अब यहाँ हमारा आटे का डो बनकर तैयार है और इसे ऐसे ही 10 मिनट तक छोड़ देंगे। तो चलिए अब 10 मिनट के बाद पराठों की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हम आटे में से 1 पोर्शन लेंगे और इस तरह से पेड़ा बना लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आटा चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं। तो अब पैन यहाँ हमारा गर्म हो चुका है और पराठे को डालकर धीमी आंच पर सेक लेंगे और अब दोनों साइड घी लगाएंगे। आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं। धीमी आंच पर पराठे को धीरे धीरे दबाकर सेक लेंगे। तो यहाँ हमारा गोल पराठा बनकर तैयार है। तो इसी तरह हम ट्रायंगल और स्क्वायर पराठे भी बना लेते हैं। तो तैयार है हमारे मेथी के पराठे गर्मा गर्म चाय के साथ। अगर सर्दी के मौसम में अचार, पराठे और गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।